लेकर पुलिस अधीक्षक तक की शिकायत। पीड़ित ने न्याय की लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ जिया अग्रवाल। खबर गोंडा जिले से आ रही है, जहां पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि पीड़ित अवधेश कुमार मिश्र पुत्र गया प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम सतनामी पूर्वा पूरे ठाकुर थाना थानपुर जिला गोंडा से नौकरी दिलवाने के नाम पर दिनेश कुमार द्विवेदी पुत्र अज्ञात निवासी बघेली थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी 5 लाख अपने सगे भाई मनोज कुमार द्विवेदी के खाते संख्या 3400745331 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाराबंकी में 2 लाख एवं अन्य खाते संख्या में 3 लाख पीड़ित के खाते संख्या 5010024322816 HDFC बैंक गोंडा से 22/9/2020 से 15/2/2021 तक 4 किश्तों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। 3 लाख वित्त एवं लेख विभाग की ऑफिस विभूति खंड गोमती नगर में आकर बुलाकर नगद लिया और पीड़ित को बताया कि वित्त एवं लेख विभाग में अकाउंट के पद पर कार्यरत हूँ और आपका सहायक हूँ, लेखा अधिकारी के पद पर नौकरी लगवा दूंगा। किंतु जब पीड़ित ने 3 महीने बाद दिनेश कुमार द्विवेदी से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तत्पश्चात धानीपुर अपने रिश्तेदार से फोन कराकर धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर हमारे रिश्तेदारों से पैसे मांगे या कोई कार्यवाही किया तो मैं जिले का पत्रकार हूँ, तुम्हें फर्जी मामले में फंसवा दूंगा। ऐसा फोन जालसाज के रिश्तेदार प्रदीप शुक्ला निवासी माधवगंज पावर हाउस चौराहा थाना धानीपुर के द्वारा किया गया। पीड़ित प्रार्थी बहुत ही डरा हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनवारुल हक की रिपोर्ट। लोगों से निवेदन है कि उचित जांच कराकर उचित कार्रवाई करवाई जाए, जो गलत हो उसको सजा दिलाई जाए और जो सही हो उसको न्याय दिलाया जाए। और जो भी पैसा मैंने दिया है वो बाई अकाउंट दिया है और वो कहीं सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे कोई पैसा दिया है। उसके बाद में वो कोई फर्जी पेपर 420 आदमी है दिनेश कुमार द्विवेदी वो लेके घूम रहा है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा ये पेपर लगा के। अतः आगे आप लोग देखिए क्या सत्य है क्या गलत है।